हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मान किचन। जब भी हम डोसा या इडली खाते हैं तो बार बार चटनी मांग कर खाइए या नहीं, तो चलिए आज मैं एक स्पेशल चटनी की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसान पर बहुत ही डिलीशियस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आपको सारे न्यू अपडेट्स मिलें। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। लो फ्लेम पर एक पैन गरम करें और उसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल के गरम हो जाते ही 2 चम्मच चना दाल डालें, 2 चम्मच उड़द की दाल डालें और कश्मीरी लाल मिर्च डालें 3 से 4 स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से भून लें। दाल के सुनहरे होते ही हम एक प्याज लंबा लंबा काट कर डाल देंगे, 1 इंच अदरक, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ डालकर इसे भी भून लेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। यहाँ पे नमक डालने से प्याज जो है वो जल्दी पक जाएंगे, जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए यहाँ पे हमें 1 टमाटर डालना है काट कर और अब इसे सॉफ्ट होने तक पकाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। बस यहाँ पे गैस को कर दीजिए बंद और मिश्रण के ठंडा होते ही हम उसे मिक्सर के जार में डाल देंगे। इमली का एक छोटा सा टुकड़ा डालें, अपने ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर बस इसे पतला पीस लेना है आपको। थोड़ी देर पीसने के बाद ये देखिए एक मज़ेदार पतला सा पेस्ट जो है तैयार हो गया। सारी चटनी को एक प्लेट में निकाल लें और अब चलिए तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने एक करछुल में लिया है 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच उड़द दाल डाल रही हूँ, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच राई डाल के इसे तड़कने दीजिए। थोड़ी देर बाद हम कुछ 5 से 6 फ्रेश करी लीव्स डाल देंगे। थोड़ी देर बाद चुटकी पर हींग डाल दें और बस हमारा तड़का तैयार है। इस तड़के को चटनी पर डाल दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए, बस और क्या, हो गया हमारा कारा चटनी तैयार। अमेजिंग और सबसे जल्दी बनने वाली सबसे स्वादिष्ट चटनी है कारा चटनी। इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे वीडियोस के लिए मान किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।